हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइकल बीटीवाईटी। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम और फेसबुक जो भी सोशल मीडिया का लिंक है आपकी यूट्यूब चैनल की अबाउट सेक्शन में कैसे ऐड करें। दोस्तों आपको पता होगा ऐड करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और आप देख सकते हैं मेरी वीडियो का अबाउट सेक्शन में जाके, मेरा अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी आप मेरा सोशल मीडिया का लिंक है मैं वहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है। फिर भी ये थोड़ा सा बता दूं कि ऐड करना क्यों ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई अच्छा लगे आपकी, जैसे कि इंस्टाग्राम पे आपको कॉन्टेक्ट करना चाहता है, फेसबुक पे आपको कॉन्टेक्ट करना चाहता है, तो उनकी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाके आपका नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जो कि इसमें ऑलरेडी आप ऐड कर रखे हैं तो वहाँ पे क्लिक करते ही आपका जो भी सोशल मीडिया का लिंक है वो ओपन हो जाएगा और इससे आपका फॉलोअर बनने का चांसेस बहुत जल्दी रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं और इस वीडियो में आपको एक्स्ट्रा टिप्स भी मैं बताऊंगा कि इंस्टाग्राम की लिंक को कैसे कॉपी करते हैं, फेसबुक की लिंक को कैसे कॉपी करते हैं और कैसे अबाउट सेक्शन में पेस्ट करके आप ऐड करते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियरली बताने के लिए। वीडियो को एंड तक देखते रहना और आप मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई नई जानकारी की वीडियो देखते रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ मेरा मोबाइल स्क्रीन पे, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है और मैंने दूसरा जीमेल आईडी से यूट्यूब लॉगिन करके ब्राउज़र पे लॉगिन हो गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कौन सा भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर थ्री लाइन पे आपको क्लिक करना है यहाँ, और फिर आपको क्लिक करना है माई चैनल पे। ओके, माय चैनल पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। देखिए यहाँ पे दो तरह की आप अबाउट सेक्शन में दो तरह की आप सोशल मीडिया का लिंक ऐड कर सकते हैं। पहला जो है आपको आर्ट चैनल पे आपको सिंपल सा टच करना है और उसके बाद पेंसिल का मार्क आ जाता है यहाँ पे, पेंसिल पे क्लिक करके आपको एडिट लिंक्स पे आपको क्लिक करेंगे तो इसी तरह भी आप सोशल मीडिया का लिंक को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एडिट लिंक्स में क्लिक किया, उसके बाद ये आपका ऑलरेडी अबाउट सेक्शन यहाँ पे खोल जाएगा, ठीक है। और अभी मैं आपको डायरेक्टली अबाउट सेक्शन में आपको बताता हूँ। हम आएंगे, इस तरह का पेज ओपन हो गया। देखिए मैं एक बात बता दूँ आपको, यहाँ पे देखिए होम वीडियोस प्लेलिस्ट चैनल अबाउट का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, यूट्यूब तो क्रिएट कर लेते हैं, चैनल तो बना लेते हैं, वीडियो भी अपलोड कर लेते हैं, लेकिन उनकी चैनल में अबाउट सेक्शन का कुछ ऑप्शंस नहीं आते, वीडियोस प्लेलिस्ट चैनल इस तरह की ऑप्शन नहीं आते। तो अगर आपके चैनल में भी इस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाइए, सेटिंग का ऑप्शन है ना, सेटिंग के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ये चैनल कस्टमाइज द लेआउट ऑफ योर चैनल लिखा है यहाँ पे, फोर्थ स्टेप पे। देखिए ये ऑफ रहता है, जब चैनल क्रिएट करने के बाद ये ऑफ ही रहता है, आपको ध्यान देना होगा कि आप ब्राउज़र में आके इसको ऑन कर लेना है इस तरह से, ठीक है, तभी आपका अबाउट सेक्शन का जो भी वीडियोस का ऑप्शन जो भी है वो आपके सामने आपकी चैनल पे शो हो जाएगा, ठीक है। ये करके लेना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करते हैं, आप चलिए अबाउट में हम क्लिक करेंगे। यहाँ अबाउट में क्लिक किया, अबाउट में क्लिक करने के बाद आपका जो अबाउट सेक्शन में, जैसे कि आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, अबाउट में मेरा ऑलरेडी डिज़ाइन कर रखा हुआ है और सोशल मीडिया का लिंक भी दे के रखा हूँ। अगर आपके चैनल मतलब नया है तो आप अबाउट सेक्शन में तो आपका ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपके चैनल को विजिट करता है वो सबसे पहला अबाउट सेक्शन में जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर अबाउट में अभी तक कुछ नहीं लिखा है तो आप चैनल डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करना है और यहाँ अबाउट में आपको टाइप करके यहाँ पे डन कर देना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड में आपका जो भी ईमेल है, जो भी आपका बिजनेस इंक्वायरीज ईमेल है, जो भी आपको कस्टमर ईमेल से आपको कांटेक्ट करना चाहेंगे तो आपका यहाँ पे फॉर बिजनेस इंक्वायरीज पे क्लिक करके यहाँ पे ईमेल पे आपको आपका अपना ईमेल डाल के यहाँ पे डन कर देना है, ठीक है। और लोकेशन में आपको क्लिक करना है, आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इंडिया से है तो इंडिया से यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको भी डन कर देता है, ठीक है। उसके बाद आएंगे लिंक्स पे, यहाँ पे लिंक्स पे आपको क्लिक करना है,
लिंक्स पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको ऐड में क्लिक करना है। ऐड में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आप कौन सा लिंक सोशल मीडिया की कौन सी लिंक आप पहला डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे चलिए मैं फेसबुक यहाँ पे डालना चाहूँगा, तो फेसबुक आप यहाँ पे लिखिए फेसबुक। ओके फेसबुक लिखने के बाद आपको यहाँ फेसबुक का URL कॉपी करके डाल पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसके लिए हमको फेसबुक पेज पे जाना होगा, तो चलिए फेसबुक पेज पे मैं आपको जाके दिखा। दोस्तों जैसे कि मैंने फेसबुक यहाँ पे ओपन कर दिया है, फेसबुक पेज पे आ गया है। अब हमको यहाँ पे राइट साइड के ऊपर 3 लाइन है, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर अपना प्रोफाइल में आना है। प्रोफाइल में आने के बाद देखिए यहाँ पे मोर का ऑप्शन है 3 डॉट पे, यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे, और मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी लिंक टू प्रोफाइल इसे हम क्लिक कर देंगे। ओके ये ऑलरेडी कॉपी हो गया है, अब हमको जाना है वापस यूट्यूब चैनल पे। ओके हम वापस आ गए यूट्यूब चैनल पे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हमने फेसबुक लिखा था इसके राइट साइड में URL पे हमको सिंपल सा यहाँ पे URL पे हम अभी जो कॉपी किया था इसे हम पेस्ट कर देंगे। ओके उसके बाद हम डन कर देंगे, डन हो गया। अब हमको क्या करना है, फिर से दूसरा लिंक डालना है, ठीक है। अभी इंस्टाग्राम के डालेंगे, तो हमको यहाँ पे फिर से क्लिक करना है, पेंसिल पे क्लिक करेंगे, फिर ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे इंस्टाग्राम टाइप करेंगे, ठीक है इंस्टाग्राम टाइप किया। अब हमको इंस्टाग्राम का कॉपी यहाँ पे लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो चलिए इंस्टाग्राम का लिंक को कैसे कॉपी करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक कॉपी करने के लिए हम ब्राउज़र ओपन किया है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम टाइप करके, उसके बाद आपको इंस्टाग्राम पे आना है। यहाँ इंस्टाग्राम पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आपका इंस्टाग्राम पेज खोल गया है इस तरह। आप प्रोफाइल में आइए, प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद ये देखिए ऊपर आपका देखिए माइकल BTY ऐसा लिखा है ऊपर माइकल बसुमतारी, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपल सा आपको प्रेस कर देना है, और ये देखिए इसे हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। इसे हम कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम वापस जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। देखिए दोस्तों हम यूट्यूब चैनल पे वापस आ गया है। अब थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम लिखा था ऊपर लेफ्ट साइड में, आप इंस्टाग्राम ये राइट साइड में आप हम जो भी आप इंस्टाग्राम की लिंक कॉपी किया था इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए हमारा ये फेसबुक हो चुका है, इंस्टाग्राम हो चुका है, अब फिर से हम इसे डन कर देंगे। ओके फेसबुक और इंस्टाग्राम हो चुका है, ठीक है। अब हमको अब दिखाते हैं आपको कि देखिए इंस्टाग्राम पे जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे आ जाएगा। ये देखिए मेरा इंस्टाग्राम डायरेक्टली ओपन हो गया है, ठीक है। फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक का भी डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ओके अब क्या करना है हमको, चैनल सब्सक्राइब वाली मतलब चैनल का आपको लिंक डालना है, ठीक है। अपने चैनल का लिंक डालना है, तो चलिए चैनल का लिंक भी हम आपको डाल के दिखा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक कीजिए, उसके बाद पेंसिल पे फिर क्लिक कीजिए, उसके बाद ऐड में क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे आपको यहाँ टाइप करना है चैनल, ठीक है। ठीक है मैंने यह चैनल टाइप कर दिया है। अब चैनल का यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। चैनल का लिंक यहाँ पे कॉपी करेंगे, तो कैसे कॉपी करते हैं अब देखते रहिए। चलिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऊपर जो 3 लाइन देख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद माय चैनल पे आपको क्लिक करना है। फिर से माय चैनल पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ ये देखिए ये आपके चैनल का कॉपी है, ठीक है। अब इसे क्या करना है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस हम जाएंगे नीचे, ये देखिए अबाउट में, अबाउट में जाने के बाद ये देखिए इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे, ओके फिर यहाँ पे हम लिख देंगे वापस यूट्यूब या तो फिर चैनल,
इसके बाद अभी भी मैंने जो भी कॉपी किया था ये वाला, इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, उसके बाद डन कर देंगे। ओके देखिए यहाँ पे चैनल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और थोड़ा ऊपर आएंगे, देखिए ऊपर देखिए आर्ट में देखिए फेसबुक और इंस्टाग्राम यूट्यूब यहाँ पे इस तरह का शो कर रहा है अभी। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में इस तरह की जानकारी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।